मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो दे दोस्तों, मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से रेगुलरली अपडेट्स आपको देते आया हूँ। आज जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड 12 की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है फ्रेंड्स, और चैप्टर का नेम है डीप वाटर। दोस्तों विलियम डगलस ऑथर, विलियम ओ डगलस फेमस इसके ऑथर हैं। ये उनकी एक बेसिक ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफी ये होती है कि हम लोग किस तरीके से, किस वे में हम लोग चीज़ों को फील करते हैं, हम लोग किस तरीके से चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, समझते हैं, यहाँ पे वो बताया गया है इस स्टोरी में। मैं फ्रेंड्स विलियम डगलस का इंट्रोडक्शन मैं दूँ अगर आपको, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट के बेस्ट फ्रेंड रहे थे, एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट रहे थे। येल यूनिवर्सिटी में इनकी दोस्ती हुई थी। 1980 में इनकी डेथ हुई थी। 1975 में ये जस्टिस के पद से, बिकॉज ही वॉज एन एविड एडवोकेट ऑल्सो, तो जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। ही वॉज परहैप्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस ऑफ अमेरिका, दैट इज 36 ईयर्स माई फ्रेंड्स। तो 36 ईयर्स के लिए इन्होंने यू नो लाइक सर्व करा था वहाँ पे, एंड देन ही वेंट अहेड एंड स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स अबाउट। यहाँ वो बताते हैं अपना एंडेवर, एक ह्यूमन एंडेवर जो होता है, एक डर, उससे जीत पाना कितना मुश्किल कार्य होता है, और किस तरीके से उस डर के ऊपर से हम, वो डर जब हमारे ऊपर हावी होता है तो उससे जीतना कितना मुश्किल कार्य होता है। सो दोस्तों अगर हम देखें इस चैप्टर में तो बताया गया है कि यस द थिंग्स आर क्वाइट हार्ड टू ओवरकम। ये सब शुरू होता है एक वाक्य से। वो वाक्य ये था कि एक बार वो YMCA, दैट इज यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे। बेसिकली वो सारे पैड्स वगैरह लगा के, दैट इज़ द वाटर विंग्स वगैरह लगा के जाते थे। यूजुअली वो पूल था जो कि 2 feet से लेकर 9 feet डीप तक था। द ग्रेजुअल यू नो द डीपनिंग वॉज ग्रेजुअल, बट वो थोड़े से शैलो वाटर्स में स्विम करना सीख रहे थे। एक बार एक मस्तीखोर लड़के ने आके उनको उठा के पूल के डीपेस्ट पार्ट में फेंक दिया, दैट इज़ द 9 feet पार्ट। अब यहां पे एक डर इनके अंदर जो हावी था वो यू नो ट्रू फॉर्म में उनके सामने आ गया था। वो हुआ यूं था कि बचपन में एक बार कैलिफोर्निया में सी के पास में उनके फादर उनको लेके गए थे, एंड वहां पे लहरें काफी तेज आ रही थी। वो लहरें इतनी तेज थी कि ऑलमोस्ट विलियम वहां गिर गए और वो पानी उनके ऊपर आ गया था, एंड ही कुडंट यू नो लाइक सी एनीवेयर एल्स, एंड ही वाज ऑलमोस्ट चोक्ड। तो एक डर सा उनके अंदर बस गया था, दैट आई एम गोइंग टू ड्राउन, एंड उनके पिताजी वहां पे काफी हंस रहे थे फ्रेंड्स। तो यहां वो हंस रहे थे उनके पिताजी, बट वो चीजें जो थी वो इनके अंदर काफी यू नो डर भर के आ गई थी। इनके अंदर काफी डर आ गया था, और वो डर जो सिहरन थी वो इस मोमेंट पे जब उनको पूल पे फेंका गया वहां हावी हो गया। उन्होंने ठीक है कोशिश करी, उन्होंने हाथ चलाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, वो सीधे नीचे जा रहे थे। उन्होंने ये फील करा कि ठीक है अगर मुझे धक्का भी दे दिया गया है तो मैं सीधे नीचे जो पूल की जो यू नो बॉटम लेयर होती है, पूल के बॉटम पे पहुंचूंगा, एंड एज सून एज आई हिट द टाइल्स मैं पैरों से किक करूंगा एंड आई विल गो अप अगेन लाइक अ कॉर्क। जैसे कॉर्क खुलता है तो सीधे वाटर उस पर जाता है सर्फेस पे फ्रेंड्स। इन्होंने कोशिश करी, इन्होंने पुश करा, लेकिन तब तक वो डर इतना हावी हो रहा था कि इनकी कोशिश थोड़ी सी शिथिल हो रही थी। ही वॉज एक्चुअली कंज्यूमिंग वाटर, ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वॉज गोइंग इन थ्रू आईज, थ्रू यू नो लाइक थ्रू नोज एंड ऑल द थिंग्स, द ईयर्स एंड ऑल, बट फाइनली सरफेस पे पहुंचते हैं। बट इनका फेस, इनका माउथ नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ आईज और नोज पहुंचती है, एंड वंस अगेन उनको ये फील होता है कि समथिंग इज पुलिंग हिम डाउन। वो फिर से पानी में डूबने लगते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा शिथिल होने लगते हैं, उनके लंग्स जवाब देने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है। दोस्तों एक पर्सन, इमेजिन योर सेल्फ यू नो ट्राइंग टू गो इन टू द स्विमिंग पूल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्राइंग स्विमिंग माई फ्रेंड्स। जो वहाँ पे जो फिनोमिनन क्रिएट होता है, यहाँ ऑथर बता रहे हैं, विलियम बता रहे हैं, मेरे साथ में यही हुआ था। सेकेंड टाइम जब मैं फिर से नीचे जाने लगा, मैंने कोशिश करी कि मैं फिर ऊपर आऊँ, लेकिन वो नीचे जाना मुझे लगा था मैं तो चंद सेकेंड्स में नीचे चला जाऊंगा, बट इट टुक लॉन्ग टाइम टू गो डाउन, एंड द वाटर वॉज मर्की येलो, सो आई कुडंट इवन सी एनीथिंग प्रॉपरली, मैं नहीं देख पा रहा था कुछ वहाँ पे। अब होता ये है कि मैं फिर से
एक बार कोशिश करता हूँ, मेरा मन मेरा दिल कह रहा है कि नहीं मुझे करना है वो कोशिश, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैंने फिर एक बार कोशिश करी, चिल्लाने की कोशिश करी, अपनी माँ को याद करा, लेकिन वो आवाज़ पानी में कहीं दबके रह गई, कुछ नहीं हुआ। और मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन नहीं मैं ऊपर नहीं पहुंच पाया। फाइनली द थर्ड टाइम आई अगेन वेंट डाउन, एंड इस वक्त मैं जब नीचे आने लगा, सो दैट वॉज क्वाइट सैडन थिंग। बस मुझे इतना याद है कि मैंने ये सोचा कि अब जो एक अजीब सी नींद मेरे ऊपर हावी हो रही है, मैं उस नींद को कंटिन्यू करूं, मैं उस नींद में बस सोता चला जाऊं। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनकी बॉडी अब, उनका माइंड ब्लैक होने लगा था, हिज माइंड वॉज टोटली गोइंग डार्क, ही कुडंट सी एनीथिंग, ही वॉज चोकिंग आउट देयर। सो दैट वॉज ऑलमोस्ट अ ब्रिम ऑफ डेथ दोस्तों, एक कह सकते हैं एक एज ऑफ डेथ वो पहुंच गए थे। जब उन्हें होश आया दोस्तों, तो वो स्विमिंग पूल के साइड में लेटे हुए वॉमिट कर रहे थे, कुछ लोग उनको वहाँ पे यू नो उनका उनका चेस्ट दबा के पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़के को कहते हुए सुना कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, दूसरे लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट मर जाता ये बच्चा, इस तरीके की कुछ बात चल रही थी। तो ये डर जो उस समुद्र के यू नो किनारे से इनके अंदर घुसा था, यहाँ पे और प्रगाढ़ हो गया। काफ़ी टाइम तक वो डर इनके ऊपर हावी रहता था। जब कहीं लेक के किनारे बड़े हो गए, लेक के किनारे जाते हैं, रिवर फ्रंट्स पे जाते हैं, कनोइंग करते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, इवन फिशिंग के लिए जाते हैं, तो भी इनको एक अजीब सा पानी से डर दिखने लगा था दोस्तों। ही वॉज क्वाइट स्केर्ड और एंड रियली यू नो वरीड अबाउट द फिनोमिनन ऑफ वाटर अराउंड हिम, उनको बहुत डर लगने लगा था पानी से। काफ़ी एडवेंचर्स इन्होंने वहाँ पे यू नो लाइक खो दिए थे। अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली इंजॉय करना इन्होंने वहाँ खो दिया था। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम विलियम डिसाइड करते कि नहीं मैं स्विमिंग सीखूंगा और एक इंस्ट्रक्टर के कारण सीखूंगा, इंस्ट्रक्टर के मदद से। तो होता ये है, एक स्विमिंग पूल में फाइनली एक पुली बांधी जाती है, पुली से एक रस्सी इनके ऊपर बांधी जाती है और इनको स्विमिंग सिखाई जाती है। पानी में जाते से वो डर इनके अंदर आने लगता है, लेकिन जब भी वो पानी में डूबने लगते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर उनको उस पुली से रस्सी से खींच लिया करता है। लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद ये डर थोड़ा सा कम होने लगा, लेकिन फिर भी जब मैं डीप पानी में जाने लगता था तो मुझे वो टेरर नज़र आता था, लेकिन मैं कहता था मिस्टर टेरर बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी, यू जस्ट आई हैव टू मेक मी स्केर्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं इन ये कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड रूजवेल्ट को कहते सुना था, द ओनली थिंग टू फियर By humans, for humans is the fear itself. इंसानों को एक ही चीज से डर लगना चाहिए, वो डर खुद होता है, उसको डर से ही डर लगना चाहिए। क्योंकि अगर डर हमारे अंदर आ गया तो हम किसी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, there will be no feat for us, my friends. तो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर के साथ में यू नो ट्रेनिंग चालू करते हैं। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर उनकी पुली हटा देते हैं एंड ही स्टार्ट्स यू नो स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि वॉल पे किक करो एंड देन गो अहेड एंड कम बैक। तो एक लगन, एक आस्था, एक मेहनत और एक यू नो एक एफर्ट दिखा के यहाँ पे विलियम स्विमिंग ट्राई करते हैं। इंस्ट्रक्टर की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली एक दिन उनको पूल के यू नो एक एंड से दूसरे एंड पे, दूसरे एंड से पहले एंड पे आने की स्विमिंग सिखा दी जाती है। हालांकि बीच में आके वो डर आता है, लेकिन यहाँ पे उस डर को वो ओवरकम करना सीख गए हैं, इंस्ट्रक्टर की अब जरूरत नहीं है। एक दिन होता है कि विलियम लेक वेंटवर्थ है न्यू हैम्पशायर काउंटी में, वहाँ निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके ही स्विम्स ऑलमोस्ट फॉर 2 miles। एंड बीच में एक बार डर आया था उनके मन में, जब वो बॉटमलेस पानी को देख रहे थे, उन्हें मर की कुछ दिख नहीं रहा था, एम्प्टीनेस दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ उस टेरर को वहाँ पे भी धका के फाइनली 2 miles की स्विम अकेले करी। एंड देन इसके बाद में भी ही वेंट अहेड टू अ काउंटी, ही वेंट अहेड टू सर्टन प्लेस रिमोट प्लेसेस एंड देन देयर ही स्टार्टेड टू गो अहेड एंड टेक स्विमिंग फीट्स ऑन हिज ओन। वो विक्ट्री क्राई इतनी ब्राइट होती थी कि पहाड़ों से उनकी आवाज़ उनको एको होके सुनाई देती थी दोस्तों। तो यहाँ वो चैप्टर बताते हैं, कंक्लूड करके बताते हैं, यहाँ वो रूजवेल्ट की बात भी रखते हैं, दैट द फियर इज ओनली थिंग दैट वी नीड टू फियर फ्रॉम, और बताते हैं फियर को ओवरकम करना है तो हमें ब्रेवरिटी से उसे फेस करना आना चाहिए, रादर देन नॉट रनिंग अवे। उन्होंने इतने साल इतना टाइम उस चीज से दूर रहते हुए यू नो बिताए थे और वो उस चीज की कह सकते हैं पराकाष्ठा अचीव नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज नॉट एबल टू गो अहेड एंड अचीव द एपिटोम
of the thing that was actually giving him terror, that was terrorizing him, my friends. तो बताते हैं कि इस तरीके से हम, you know, it is basically an essay. हम इसको एक ऐसे कह सकते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, जिसे बताया गया है कि फियर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे फेस करना चाहिए. सो आई होप नाउ यू विल ऑल्सो बी फियरलेस बिकॉज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग माई फ्रेंड्स एंड दिस चैप्टर एंड दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू अ लॉट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग यू बैक अगैन. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. सी यू.